आओ लोग मजा आ रहा है। एपिसोड 4 इज सुपर सुपर ऑसम। बहुत लोगों की शिकायतें थी कि द रिंग्स ऑफ पावर में मजा नहीं आ रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। बाबा ये एपिसोड देख लेना, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी और ये आपको बता के जाएगा कि क्यों लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लोग फैंस हैं। चलो फटाफट रिव्यू एंड एक्सपीरियंस कर लेते हैं अपने एपिसोड 4 को। तो बाबा एलरॉन्ड और गैलेडियल 4 फाइन वॉरियर के साथ एरेगियन को निकल गए हैं, जहां रास्ते में बहुत सी एडवेंचरस चीजों का उन्हें मजा चखना पड़ता है। और जो रिंग गैलेडियल ने पहनी है वो उसकी हेल्प कर रही है उसके फ्यूचर विजन में, या फिर यूं कहो कि भविष्यवाणी या फिर भविष्य देखने के लिए। और इसके साथ साथ बाबा वो घाव को भी ठीक कर रही है। इस बीच उन्हें जंगल के पिशाचों से मुकाबला भी करना पड़ा और ऑक्स एंड अडार की जो इन्हें लंबे समय से तलाश थी वो उन्हें रास्ते में मिल चुके हैं या एक्सीडेंटली उन्होंने उनको ढूंढ लिया है, जिनमें बाकी की टुकड़ी यानी एलरॉन्ड वापस लिंडन की ओर निकल गया गिलगैलिड को बताने के लिए, एल्व्स की नई आर्मी तैयार करने के लिए, ऑक्स के बारे में अलर्ट करने के लिए। और यहां गैलेडियल अकेली कुछ ऑक्स से भिड़ गई। और बाबा व्हाट अ सॉलिड एक्शन, गैलेडियल यूं ही नहीं फाइन वॉरियर या फिर कमांडर है, बहुत सॉलिड लड़ाई लड़ी है उसने। और जो एक्शन देख के मजा आ गया, क्योंकि इसी के लिए तो वेट करते हैं बाबा हम ऐसी एक्शन मूवी के लिए, हॉलीवुड की ऐसी वेब सीरीज के लिए, क्योंकि वहां एक्शन पेल के मिलता है और जबरदस्त देखने को मिलता है। गैलेडियल इज फकिंग सैवेज वॉरियर पर अडार और ऑक्स के द्वारा पकड़ी गई और एपिसोड 5 में बाबा वॉर देखने को मिलने वाली है डेफिनेटली, फिर से एल्व्स और ऑक्स के बीच में। दूसरी तरफ स्टार फिर खो चुका है, पिछले एपिसोड में जो उसने तूफान उठाया अपने जादू से, नॉरी और पॉपी भी इससे अलग हो चुके हैं, उन्हें अपनी ही तरह दिखने वाले स्टूअर्ट्स मिल चुके हैं जो हार्फुट की तरह दिखते हैं। सदियों पहले ये दोनों ट्राइब्स एक साथ रहा करती थी लेकिन वो एक्सीडेंटली अब मिल चुके हैं और शायद नोरी इस ट्राइब को अपनी ट्राइब के पास ले जा सकती है, खैर वो आगे देखेंगे। लेकिन स्टार अपने ही जैसे एक जादूगर से मिल चुका है जिसका नाम वो बॉम्बाडिल बता रहा है, और तारों को ढूंढने के पीछे मकसद शायद यही था कि बॉम्बाडिल के पास वो आए, क्योंकि बॉम्बाडिल अभी इसे ट्रेनिंग देने वाला है जो आगे जाके सौरॉन और उस इविल विजार्ड को हराएगा जो अभी लगातार स्टार को मारना चाहता है। तीसरी तरफ एरोंडीर अपनी महबूबा के बेटे को ढूंढने निकल गया है और इसिल्दूर के साथ जो लड़की है उसकी भी असलियत सामने आ गई, क्योंकि उसे अडार ने अपना गुलाम बनाया था। और जंगल में उन्हें इस सफर के दौरान जायंट ट्री से मुकाबला होता है, उनसे भिड़ंत होती है और उन्हें मिलने का मौका मिलता है जो एक्चुअली जंगल की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि जंगल को लकड़हारे और ऑक्स बुरी तरीके से बर्बाद करते आगे जा रहे थे, जिसके बारे में फिलहाल एरोंडीर को पता लग चुका है क्योंकि वो भी ऑक्स को ढूंढ रहा था एंड वो उसके पीछे पीछे उन्हें खोजने के लिए निकल चुका है, जो डेफिनेटली आगे जाके गैलेडियल या फिर एलरॉन्ड से टकरा ही जाएगा। तो बाबा ये सब 4th एपिसोड में देखने को मिला है और बहुत कुछ ये एपिसोड प्रॉमिस करके चला गया है 5th एपिसोड के लिए, जो हमें 12th ऑफ सेप्टेम्बर को देखने को मिल जाएगा। तो दिल थाम के बैठे रहो क्योंकि अभी वॉर देखने को मिलने वाली है। काफी स्टोरी प्लॉटिंग एंड काफी स्टोरी बिल्डिंग हो चुकी है, एल्व्स अपनी तरफ तैयार हो चुके हैं, दूसरी तरफ सौरॉन जो रिंग बनाने में सफल हो ही जाएगा और वो एरेगियन को तबाह भी कर देगा। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही, और नए हो और यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद है लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आपने भी 4th एपिसोड देख लिया तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। जय हिंद।